हेलो एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो जी अभी मैं वीडियो बना रही थी कि हमारे लप्पू को आज किसी ने देखा है क्या हम हमारा लप्पू आज कल से ही गायब था और ढूंढते ढूंढते कल रात में तो लप्पू के नाम से एक मैसेज भी आया था चालीस रुपए वाला सुपर चैट तो वो चालीस रुपए वाला सुपर चैट के बाद तो सब भगवान के आगे प्रार्थना कर रहे थे हे प्रभु अवतार लो प्रभु लप्पू को सुरक्षित रखो प्रभु लप्पू जहाँ भी हो वहाँ सही सलामत सुरक्षित हो प्रभु हम जितना प्रार्थना कर सकते थे हमने लप्पू के लिए प्रार्थना किया अब जो है हमारी प्रार्थना का फल सामने आया और लप्पू मिल गया तो फिलहाल लप्पू जो है वो कहीं गया है मूवी देखने अब मूवी देखने के टाइम लप्पू बिल्कुल इरिटेट होके आया लेकिन लप्पू के फेस पे ना तो डिप्रेशन है ना तो इरिटेशन है ना टेंशन है कुछ भी नहीं है लप्पू बड़ा रिलैक्स सा फील हो रहा है लप्पू के फेस पे एक अलग किस्म का निखार भी है आप लोग नोटिस करिएगा कि लप्पू के फेस पे वो निखार क्या है ऐसे हम जो भी नोटिस किए हो तो हम आप लोगों को वीडियो में आगे बताएंगे ही कि हमने क्या नोटिस किया है कि लप्पू के फेस का ये जो ग्लो है जो मोहाली में जा कर निकला है क्या ही ग्लो है अब देखिए लप्पू अपने ग्लो का राज जो है वो खुद ही बता है कि हम भी देखने आए हैं हमने सोचा कि माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट भी करना चाहिए बिल्कुल लप्पू भैया जी माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए भले पब्लिक का माइंड कहीं और डाइवर्ट होना हो आप यहीं पे टिका रहे आप अपना माइंड डाइवर्ट करो और आप जहाँ जहाँ मर्जी पब्लिक आप ही का जो वेब सीरीज चल रहा है उससे मुक्ति नहीं पा रहा है आप चले गए मूवी देखने के लिए गजब लप्पू भैया क्या बात करते हो लप्पू भैया आप ही एकदम टैलेंटेड आदमी निकले लेकिन चलो कोई नहीं अब लप्पू भैया जब मूवी देखने गए तो लप्पू भैया को ये पता है अब यहाँ पे मैं इसे पहले मैं जो वीडियो बना रही थी ना उसके इशारे मैंने लगाए हैं क्योंकि दिन में आंटी जी बोल रही थी कि लप्पू अगर नहीं सुधरा तो लप्पू को प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे तो हमने वही आंटी जी को समझाने का प्रयास किया कि आंटी जी लप्पू को प्रॉपर्टी से निकालने का कोनो फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको लप्पू को पता है कि उसको मेहनत कैसे करनी है मेहनत करके पैसा कहाँ से कमाना है क्योंकि तीन चार सालों में लप्पू ने ही सारा कुछ कमाया है भले ही लप्पू की जो लप्पी है यानी कि उसकी मेहरारू उसने उसका उसमें बहुत साथ दिया है सारी मेहनत का फिफ्टी परसेंट क्रेडिट उस लप्पी को भी जाता है लेकिन आज की डेट में जो लपुआ बिगड़ा है ना उस बिगड़ने का भी फिफ्टी परसेंट क्रेडिट लप्पी को ही जाता है कहा से कि पहले ही नकेल कस के रखती तो उसका लप्पू बिगड़ता ही नहीं और उसको हमको वाई टी पैसे ढूंढना नहीं पड़ता कि कहाँ है लप्पू कहाँ है लप्पू कहाँ है लप्पू खैर लप्पू अभी आज मिल गया है अवतरित हुआ है और लाइव में और लाइव में आके कर लप्पू ने कहा है कि भाई हम हैं हम हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं और सुपर चैट चालीस रुपये का चोर वाला सुपर चैट मेरा नहीं है वो किसी का भी हो उससे हमको मतलब भी नहीं है लेकिन अभी हम मूवी देखने आए हैं अब वहाँ पे लोगों ने लप्पू से उसकी मैरारू के बारे में सवाल पूछा कि वो कहाँ है वो कहाँ है तो लप्पू ने यही जवाब दिया कि भाई ज़रूरी है कि हम जहाँ भी जाएँ सबको साथ ले कर चलें पूरा बटालियन अपने संग में ले कर चलें अरे भाई लप्पू इधर तो मतलब दुनिया में तुम बहुत डेयरिंग हस्बैंड हो भाई कि इतना इतनी सारी बातें एकदम धड़ल्ली से सीना चौड़ा करके बोल ले रहे हो कहाँ से कि तुमको तो किसी बात का डर ही नहीं है कि इस बात से हमारी पत्नी दुखी होगी आ कि हमको कूटेगी ना तुमको कूटाने का डर है और ना ही तुमको शर्माने का डर है कहाँ से कि लाज शर्म हया तो सब कुछ बेच खाए हो तो लाज शर्म हया तो बची नहीं अब बचा एक डर तो वो डर भी तुमको नहीं जिसको अपने माँ बाप से डर नहीं है जिसको ये सारा कारनामा सोशल मीडिया पे करते हुए मिलियन सब्सक्राइबर से डर नहीं है उसको अपनी वो सीधी साधी बेचारी सी पत्नी से का ही डर होगा तो लप्पू की जो लपुआइन है यानी कि लप्पी, अगर ये मेहरारू शुरू से ही नकेल कस के रखी होती और खुद रणचंडी बन के रही होती इनके ऊपर सवार होके, तो इतना भी गड़ते ही नहीं लेकिन कोई भी पत्नी ये नहीं चाहती है कि हम अपने पति से लड़े झगड़े चंडिका का रूप लेके रहे तो हमेशा प्यार की उम्मीद में ये सारा कुछ बर्दाश्त करती जाती है और इस उम्मीद में रहती है कि मैं प्यार करूंगी तो प्यार मिलेगा लेकिन बहन जो कर्म में लिखा नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा तो इसीलिए हम आंटी जी को भी बोले कि आप प्रॉपर्टी से बेदखल करके उसको प्यार नहीं दिलवा पाइएगा कभी भी नहीं दिलवा पाइएगा प्रॉपर्टी से क्या किसी भी चीज़ से बेदखल कर दीजिएगा ना तो आप उसको उसका प्यार नहीं दिलवा पाइएगा ऐसे कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं बड़ी पर्सनल होती हैं ये सिर्फ अब जिस तरीके से आज बेसर्म की तरह लप्पू आके बोल रहा था कि ज़रूरी है कि हर जगह हम लेके ही चलें सबको मुझे अपना मूड फ्रेश करना था अरे तो अपना मूड फ्रेश करना था तो तुमको एक बार भी ख़्याल आया कि जिसको तुम घर में छोड़ के आए हो उसके भी मूड फ्रेश होने की ज़रूरत है कि नहीं है उसको कितना डिप्रेशन में है उसके डिप्रेशन का सोच सोच के वाइटी पे सारे लोग डिप्रेशन में हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा अब मैं बताऊं कि ये जो समय है ना ये समय बिल्कुल बदल जाएगा और ज़रूर बदलेगा आज नहीं बदले कल बदले कल नहीं बदले छः महीने के बाद बदले लेकिन वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं है वक्त हमेशा चलता ही रहता है और बदलता ही रहता है ये इसकी प्रकृति है बस बदलना इंसान को पड़ता है तो यहाँ पे लप्पी को बदलना होगा यानी कि लपुआ की जो मेहरारू है उसको बदलना होगा और उसको चंडिका का अवतार लेना होगा अगर वो अपनी लाइफ में चंडिका का अवतार नहीं लेती है तो ये लपुआ जो है ये बार बार खोजाते ही रहेगा कि लपू कहाँ है लप्पू कहाँ है पप्पू को खोजो लप्पू को खोजो और फिर ये कहीं ना कहीं किसी सिनेमा हाल से अवतरित होके कहेगा कि हम हैं हम सिनेमा देख रहे हैं तो इस तरीके की बातों पे अगर विराम लगाना है तो लप्पू की मेहरारू जो है उसको कठोर कदम उठाने पड़ेंगे अपने जीवन में और कठोर कदम से मेरा मतलब सिर्फ इस चीज़ का है कि डिसीज़न ये लेना पड़ेगा कि लप्पू को सुधारना कैसे है या तो लप्पू को सुधारना है या तो लप्पू को छोड़ देना है और अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन करना है क्योंकि आपकी उम्र भी बहुत छोटी है आपको अपने जीवन में बहुत सारे काम करने हैं तो इस लप्पू के ज़... झंझट से जो है ना आप निकलिए और आपका फ्यूचर बहुत शानदार होगा आपके अंदर वो टैलेंट है कि पब्लिक आपको फुल सपोर्ट करेगी अगर इस पूरे लप्पू खानदान को जो सपोर्ट मिल रहा है ना तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से मिल रहा है लप्पू की मेहरारू जी तो मेरा तो मैं तो आपसे तो नाराज़ चल रही थी आपके डिसीजंस की वजह से कि आपने ऐसा डिसीज़न लिया लेकिन मेरी सलाह आपको यही है कि देखो भाई जैसा युग रहे ना वैसा ही इंसान को अपना वो पर्सनैलिटी भी रखनी चाहिए अगर तुम्हारे कर्म में लपू जैसा पति है तो तुमको थोड़ा टाइट होना पड़ेगा और उसको टाइट होके ही अपने स्ट्रांग डिसीजन से उसको या तो तुम बदल सकती हो या तो पति ही बदल दो उससे रिश्ते ख़त्म करो अपनी लाइफ में मूव ऑन करो अपनी लाइफ में मूव ऑन करके अपना एक ब्राइट फ्यूचर पड़ा हुआ है उसको संभालो सवारो सब कुछ करो और नहीं तो अगर बदलना है ना तो स्ट्रांगली स्टैंड इस, इस लेके और कठोरता के साथ बदलने की कोशिश करो कि नहीं आपको ऐसे ही रहना है और ऐसे ही करना है ये करना पड़ता है और ये सारे लोग करते हैं तो अगर तुम ये सोच रही हो कि नहीं किसी को बदलने के लिए आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए तारे तब मूर्ख हम क्या कहें किसी का प्यार भी जबरदस्ती नहीं मिलता है तो दो में से एक डिसीजन लो और इस तरीके से अपने जीवन को बर्बाद करना कहीं की भी समझदारी नहीं है चलिए फ्रेंड्स हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कहीं कि लप्पू की मेहरारू जो है वो अपने डिसीजन पे अडिग है लप्पू का ही डिसीजन जो है वो बार बार फिसलता रहता है और लप्पू फिसल के कभी ई गोले पे तो कभी ऊ गोले पे रहता है फिलहाल अभी वो मोहाली में मूवी देख रहे हैं तो शायद से कल की वीडियो में आज जिस तरीके से ही अपनी पत्नी को भाई अजीब तरीके से इंसल्ट करता है भैया हाँ। हम क्या ही बताएं छोड़ो चलिए हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय फ्रेंड्स